Deep Answers. Watch Jurke. Ask Khulke. Sir, actually, my situation is very interesting. I have a son who is 35 years old and is unmarried. He stays with us but has mood swings and most of the time he is angry. In the past three years, he has hardly spoken to us. Neither does he eat properly nor does he talk to his friends. When he is at home, he keeps sleeping for two days and does not even eat anything but on the third day he gets ready to go to office once again if we ask him anything he either quarrels with us or says he does not know anything he also shouts at us if we advise him to visit the doctor we are very confused he keeps arguing with people to prove that he is right we do not know how to pull him out of this problem doctor says that they cannot do anything until he visits them and because my son does not eat properly are eagerly awaiting your reply आपने समस्या वैसे गंभीर है लेकिन आपने जिस हल्के अंदाज में इसे पूछा है इस बाबत आपकी तारीफ करनी ही पड़ेगी पैतीस वर्षीय अविवाहित लड़का गुस्सेल और बात बात पर काटने को दौड़ने वाला अगर इस स्थिति में कोई दूसरा होता तो उसकी शुरुआत ऐसी होती कि भगवान ने मुझे बहुत बुरा फंसा दिया मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ हम लोग मरना चाहते हैं लेकिन आपके प्रश्न की शुरुआत बड़ी अच्छी है कि मेरा जीवन बड़ा मज़ेदार है सो so, ये एक पॉजिटिव बात है आप में जो होना चाहिए अब ये जो बच्चा है पैंतीस साल का ना ये बात बात पे काटने को दौड़ता है कुछ भी कहो गुस्सा करता है है ना? किसी से बात नहीं करता अपने को सही साबित करने के लिए अड़ा रहता है ये सब और कुछ भी नहीं है फ्रस्टेशन है और उसे आप लगातार मेरे लेक्चर सुनवाइए और आप अच्छे से समझ लीजिए वो तो इस जन्म में नहीं मानेगा है ना लेकिन यह विवाह के फ्रस्टेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है है ना इसको डॉक्टर के पास मत ले जाना इसको डॉक्टर की और दवाइयों की रत्ती पर ज़रूरत नहीं है अब अगर आप कर सकते हो तो एक ही काम करें कि किसी तरह से इसका कोई स्त्री मित्र बनवाइए और कोशिश करिए कि ये किसी के निकट आए अपने आप सब ठीक हो जाएगा ना और फिर जो करना है शादी के बाद इसकी पत्नी अपने आप इसके साथ कर लेगी फिर वो आपसे झगड़ने नहीं आएगा लेकिन जब तक इसका विवाह नहीं होगा तब तक इस समस्या का कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। और वो मानेगा नहीं मामला थोड़ा डिफ़िकल्ट है उम्र बीत रही है और कई बार मनुष्य को ऐसा हो जाता है कि वो अपनी सबसे दुखती नस को ऐसी दबा लेता है कि ना मानने को तैयार होता है ना समझने को ये वैसा ही एक केस है और एक संभावना ये भी है कि अगर वो बात बात पर आप लोगों से झगड़ता है तो हो सकता है कि कभी किसी सिचुएशन में उसके विवाह की बात चली हो या वो किसी लड़की के निकट आया हो और आप लोगों के द्वारा उसमें व्यवधान खड़ा कर दिया गया हो इस वजह से भी वो क्रोध निकाल रहा हो लेकिन जो भी हो आप पॉजिटिव है कोई मेजर समस्या नहीं है समस्या एक ही है कि उसका विवाह नहीं हुआ है और कुछ खास नहीं है हल्का सा उसे सॉफ्ट कीजिए विवाह के लिए तैयार कीजिए या कुछ वातावरण ऐसा बनाइए सरकमस्टेंसेस ऐसे बनाइए है ना लेकिन एक बार वो किसी स्त्री के निकट आएगा उसका सब कुछ निकल जाएगा धूल निकल जाएगी हंस के बोलने मात्रा से उसके जीवन की तमाम समस्याओं का अंत आ जाएगा सो so, उम्मीद आप समझ गए होंगे और उस पर किसी तरह से अमल करने की कोशिश करें सब ठीक हो जाएगा थैंक यू वेरी मच आई एम द माइंड मोस्ट नोटोरियस एंड कॉम्प्लिकेटेड बट एट द सेम टाइम मच मोर पावरफुल Trust me, once I am set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi, and Gujarati at atmanestore.com. Also, at all leading bookstores and e commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें हर रविवार सुबह दस बजे तथा हर शनिवार रात ग्यारह बजे